नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बीच जुबानी जंग का नया दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों में लोग इसे जंग 2.0 का नाम दे रहे हैं। रघुवर दास अपने बेदाग राजनीतिक जीवन की दुहाई देते हुए कह रहे हैं कि 5 साल मैंने ईमानदारी से शासन किया। कोई बोल रहे हैं कि 2 मुख्यमंत्री को जेल भेज चुका हूं, अब तीसरे की बारी है। उन्होंने कहा कि मैं 2 साल से यह सुन रहा हूं और 2 साल से इस इंतजार में बैठा हूं कि कब मैं जेल जाऊंगा। तो सरयू राय भी कहां चुप बैठने वाले थे, उन्होंने भी छूटते ही कहा कि जेल जाने वाला काम करने के बाद जेल जाने को लेकर किसी को भी भरम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेल भेजने का काम मेरा नहीं है, यह सरकार का काम है। अगर किसी को जेल जाने का शौक है तो सरकार को इसे पूरा कर देना चाहिए। आप देखिए दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा और किस तरह से इन दोनों के बीच जुबानी जंग का नया दौर शुरू हुआ है। सर परपन झूठ बोल के जात पात करके एक बार आप क्षणिक फायदा राजनीतिक सफलता नहीं जाते हैं। और आप देखिए 6 महीने के अंदर सिर्फ जमशेदपुर नहीं पूरा झारखंड याद बोल रहा कि हमसे गलतफहमी से बाहर निकलकर हमसे गलती हो गई। इससे बड़ा उपलब्धि क्या है? हम तो सपने में नहीं सोचे थे, हम तो मजदूर थे कि हम कभी एमएलए बनेंगे। और 5 साल हमने ईमानदार शासन दिया, ईमानदार प्रशासन दिया। बहुत लोग तो देखो ना जेल भेजेंगे, दो मुख्यमंत्री को जेल भेजा, सरथरिशन बने हुए थे। 2 साल में बैठा हुआ था कब उठवा जेल जाऊंगा, आज तक एक दाग को नहीं मिला, क्योंकि हमने ईमानदार सरकार ईमानदार प्रशासन। मैं बताता हूं, मैं 95 से एमएलए मंत्री संतरी सत्ता मुख्यमंत्री, हमारा खुली चुनौती है ये जो सत्तरिचंद बने हुए लोग। आज जमशेदपुर छोड़ के बताओ रांची से लेकर दिल्ली में कहां अलर्ट ब्रेड जमीन है, बाकी नेता बता कहां नागपुर में है, कहां गुमला में है, कहां रांची में है, कहां कहां क्या है, कहां दरबार में है, कहां दरबार में है। किसी पर अनगढ़ आरोप लगाना आप लगा सकते हो, लेकिन सिद्ध तो करो। आप पूछो 2 साल, ये आपकी ड्यूटी है कि क्या किया आपने 2 साल में। आप हमसे पूछो 2 साल में हम लोग पक्ष क्या किया, मैं बताऊंगा। नहीं, जेल जाने वाला जो काम करता है वह काम करने के कितना दिन बाद जेल जाता है, कितना दिन जेल में रहता है, कितना दिन जमानत पर रहता है, इसके बारे किसी को भ्रम हो तो लालू प्रसाद यादव जी हैं, मधु कोड़ा हैं, हरि नारायण सिंह हैं, एनओ से कहाँ हैं, इन लोगों से सबक ले लेना चाहिए। मैंने उन बातों को उठाया है जो करने पर लोग जेल जाते हैं। मैंने किताब भी लिख दी है ताकि सनद रहे, दस्तावेज रहे। किसी ने हमारी किताब में जो भी दिया गया है किसी एक का भी खंडन नहीं किया है। तो मैंने तो कहा है कि ये रास्ता है जेल जाने वाला। अब सवाल है कि जेल भेजने का काम करना है सरकार को। मैं तो इसके पीछे इसलिए नहीं पड़ता हूँ कि लोग कहेंगे कि बदले की भावना से काम कर रहे हैं, मगर किसी को शौक़ है तो मुझे लगता है कि शौक़ सरकार को पूरा कर देना चाहिए। कोई क्विज पूछे कि कौन मुख्यमंत्री इस राज्य में ऐसे थे जिन्होंने मंत्री बनने के 1 हफ्ते बाद से ही गुरुजी कहे जाते हैं शिबू सोरेन साहब, हर 15 दिन पर 1 हफ्ते पर उनके घर जाते थे, अखबार में बयान देते थे कि मैं ही शिबू सोरेन का असली बेटा हूँ, हेमंत सोरेन नहीं है। 2015-16 में मोराबादी मैदान में 15 अगस्त को झंडा पहनाया तो हरी पगड़ी बांध के पहनाया। तो मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ कि समय आने पर गधे को बाप बना लें और समय बदल गया तो बाप को गधा बना दें।